हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। सो आप लोगों को सभी को इस बार ऑटम ब्रेक में भी एक सीबीएसई के बच्चों को मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट करने के लिए दिया गया है। तो मैंने आपसे पूछा था, आप लोगों में से कई जनों ने बताया कि हाँ आपको ये मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा जानना है, तो मैं बता देती हूँ। तो जूनियर क्लासेस को जो मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट दी गई है उसमें चारों सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईबीएस, और चारों सब्जेक्ट्स का एक साथ उसके ऊपर उस नॉलेज गेन करना है। एक एक ग्रुप में क्लास को बांटा गया है और उन ग्रुप्स को अलग अलग टॉपिक्स दी गई है, उसके ऊपर थोड़ा सा नॉलेज गेन करनी है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को पढ़ना है और गूगल से मगर नहीं करना है। गूगल से करने से आप लोगों का सभी का प्रोजेक्ट एक जैसा हो जाएगा, बल्कि आपको समझ के उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके फिर आपको करना है। इसके लिए आप अलग अलग एनसाइक्लोपीडियाज, फिर उसके रिलेटेड कुछ भी बुक्स जो भी मिलते हैं, EVS के रिलेटेड EVS बुक्स जो हैं, दूसरे क्लासेस, दूसरे स्कूल्स के भी, दूसरे सिलेबस के भी EVS के बुक्स वगैरह को लेकर आप लोग कर सकते हैं। उसमें कुछ कट एंड पेस्ट का काम होगा, जिसका आपको पिक्चर्स भी बनाने हैं या फिर लगाने हैं तो आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, अदरवाइज कट एंड पेस्ट से आप कट करके उसमें लगा भी सकते हैं, ताकि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में, उस प्रोजेक्ट में अच्छे से समझ आ जाए। तो अभी आप लोगों का सभी का टॉपिक अलग अलग आया होगा, मैं अभी एक टॉपिक के बारे में बताऊंगी, क्योंकि सभी टॉपिक को इसमें इंक्लूड करना इतना इजी नहीं है एक वीडियो में। अगर आप लोग टॉपिक अलग से मेंशन करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग कहाँ से हेल्प ले सकते हैं या फिर कैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन आज मैं प्रोजेक्ट का एक थोड़ा सा ओवरव्यू डालती हूँ। मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट जो है वो हिंदी, इंग्लिश, EVS और मैथ्स चारों का आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कैपेसिटी जो है बढ़ाने के लिए आपको ये प्रोजेक्ट दी गई है। तो आपको कहीं से भी इसलिए देखना नहीं है, बस आपको डाटा कलेक्ट करना है और उसके हिसाब से आपको करना है। अगर आप लोगों को स्कूल में स्क्रैप बुक में करने के लिए बोला गया है तो ये रहा स्क्रैप बुक, ये देखिए ITC की स्क्रैप बुक आई है, ये स्क्रैप बुक यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई भी प्लेन पेपर में करने के लिए बोला है तो यू कैन टेक A4 के जो जेरोक्स पेपर होते हैं उसको ले सकते हैं, उसको फिर स्टिक फाइल में स्टिक कर सकते हैं। अब आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करेंगे, आपको तो सब्जेक्ट मैटर मिल गया होगा स्कूल से। सो आप एक काम करेंगे कि एक बात तो है कि यहाँ पे स्क्रैप बुक में कुछ डार्क पेपर्स होते हैं, आपको इसमें थोड़ा लाइट कलर के पेपर को स्टिक अगर कर लेते हैं एक तो अच्छी बात होती है। तो पहला पेज आप लोग इस तरह से लिख लेंगे जिसमें आपका नाम भी आएगा, टॉपिक आ जाएगी कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, इस तरह से नाम और फिर आपके स्कूल का नाम, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाएगा आपका टॉपिक, ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ टॉपिक अच्छे से। आपका टॉपिक सेम नहीं हो सकता है, मैं क्लॉथ्स के ऊपर एक बना रही हूँ, तो क्लॉथ हमने टॉपिक लिखा है क्लॉथ्स और इसके कुछ पिक्चर्स लगाए हैं कपड़ों के और एक ऐसा पिक्चर ड्रॉ किया है। इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करके आप साइड्स को सजा सकते हैं, प्रोजेक्ट है, आप जितना हो सके इसको डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया कंटेंट। कंटेंट आप एक बुक में भी देखिए तो आपका कंटेंट रहता है, कंटेंट यानी कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या मिल रहा है। तो कंटेंट में आप लोग लिख लेंगे सीरियल नंबर, सब्जेक्ट और पेज नंबर का, ऐसे तीन कॉलम्स बनाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा है पहला EVS का बनाऊंगी, सेकंड इंग्लिश का, देन मैथ्स, देन हिंदी का, तो कंटेंट और पेज नंबर्स आप लोग डालेंगे और साथ साथ इसमें एंटर करेंगे। नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट अब अगर आप लोग बुक्स पढ़ते हैं, एक्नॉलेजमेंट आपको वहां से भी दिखेगा कि किस तरह की एक्नॉलेजमेंट होती है। एक्नॉलेजमेंट यानी कि थैंक्स, जैसे कि हम लोग किसी कोई भी बुक को पढ़ने के बाद हम लोग इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, उससे हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन्स ले रहे हैं, तो हम लोग उस बुक्स को भी, उन बुक्स को भी हम लोग थैंक्स बोलेंगे, जैसे कि आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आप पेज को सजा भी सकते हैं और एक्नॉलेजमेंट में आपने कहाँ कहाँ से, किस किस की गाइडेंस में ये प्रोजेक्ट की है उनको थैंक्स कर सकते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू थैंक गॉड, पेरेंट्स, माई ब्रदर, माई टीचर्स फॉर द कोऑपरेशन टू कम्प्लीट दिस प्रोजेक्ट विथ सक्सेस एंड आई हैव कलेक्टेड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम
कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है। हमने जैसे कि किंग फिशर की फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया से कलेक्ट की थी, फिर साइंस की एक बुक है जो कि एनसीईआरटी की नहीं दूसरी सिलेबस की है, उससे हमने कलेक्ट की थी, तो ये वही सब कुछ हमने लिखा है। और थैंक यू, आपका नाम और डेट लिखना है आपको। देन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, जैसे हमने क्लॉथ्स के बारे में प्रोजेक्ट बनाने हैं तो हमने क्लॉथ्स का इंट्रोडक्शन, कपड़े होते क्या हैं उसका इंट्रोडक्शन हमें लिखना है। अगर आपको फूड के बारे में बनाना है सोच लीजिए, तो फूड पर्टिकुलर फूड होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन, जिससे कि उस चीज़ के बारे में हमें पता चल जाए, उसका मीनिंग आ जाए। हमने इंट्रोडक्शन में भी इसमें कपड़े लगा के, क्योंकि हमने क्लॉथ्स का इंट्रोडक्शन लिखा है तो इसको हमने सजाया है पेज को, तो आप सजा सकते हैं। नेक्स्ट हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दी है, EVS की प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गई। EVS की जो स्कूल से हमें क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन को इस पेज में लिखना है, और नेक्स्ट पेज से हमें आंसर करने स्टार्ट करने हैं। हमें क्वेश्चन मिला था कि स्टेट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स और पिक्चर को पेस्ट करना था, हर स्टेट का इंडिया के स्टेट्स के टाइप्स ऑफ क्लॉथ किस तरह के उस पर्टिकुलर स्टेट में पहना जाता है, और उसका कपड़े का पहनने का पिक्चर हमने वैसा टेबल बनाया था, टेबल वन मेंशन किया है हमने, और इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका सेकंड, फिर दूसरा जो सब्जेक्ट था इंग्लिश, इंग्लिश का क्वेश्चन हमने यहाँ लिखी है। इंग्लिश में हमें थोड़ा सा पैराग्राफ अगर लिखने के लिए दिया गया है तो क्लॉथ्स के ऊपर ही होनी चाहिए, क्लॉथ्स के ऊपर हमने पैराग्राफ लिखी है, हमने कहाँ कहाँ से इसके लिए हेल्प ली है वो सब कुछ हमने एक्नॉलेजमेंट में डाला हुआ है। जितने भी बड़ी आपको पैराग्राफ लिखने के लिए दी गई है आप उस तरह से इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट हमने क्योंकि SMEs क्लॉथ्स के ऊपर लिखा था तो हमने इसमें असमिया गामोसा का एक पिक्चर बनाया है, जो आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी कपड़े का बना सकते हैं। मैथ्स नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया मैथ्स, और इसी तरह से हमने कंटेंट्स में भी भरा है कि पहले हमने EVS की है, देन हमने इंग्लिश की है, देन हमने मैथ्स की है। ओके, तो मैथ्स का जो क्वेश्चन आपको स्कूल से प्रोवाइड की गई है उस क्वेश्चन को यहाँ लिखना है, और उसी का आंसर को यहाँ लिखना है। हमें एक रुमाल बनाने के लिए दिया गया था हैंडकरचीफ, और हैंडकरचीफ को इसमें पेस्ट करके इसका लेंथ और ब्रेथ हमने लिखा है, इसका शेप लिखी है, और इसको किस पैटर्न में बनाया गया है ये भी, कौन सा स्टिच और पैटर्न बनाया गया है हमने ये भी लिखा है, इसको साथ में डेकोरेट किया है। और एक पिक्चर हमने इस पेज को हमने, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट हमें स्टार्ट करना है तो इसमें थोड़ा सा कुछ पैटर्न्स बना दें, आप कुछ भी बना के उसको सजा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया सब्जेक्ट हिंदी, अब हिंदी का क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, और हिंदी में जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है, वो भी एक पैराग्राफी थी, आपको कौन सा ड्रेस सबसे अच्छी लगती है पहनने में, तो इसके ऊपर ही एक पैराग्राफ थी, आपका जो ड्रेस अच्छी लगती है उसके बारे में एक पिक्चर भी बनाइए, और एट लास्ट आपको कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन इज़ अ थैंक गिविंग, कंक्लूजन मीन्स हमने अभी हमारा प्रोजेक्ट यहीं समाप्त होता है और उसके लिए हम लोग फिर से थैंक्स करेंगे और उसको एंड करेंगे हम लोग। तो कंक्लूजन के साथ ही इसका इस मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट का एंड हो जाएगा। तो आपको जो भी सब्जेक्ट मिलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरह से आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो को देखकर बना सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और तब तक आप मेरे साथ सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।